पटना के गांधी मैदान से पटना सिटी जाने में इतना जाम रहता था कि लोगों की सांसें अटक जाती थी। और इस बीच पीएमसीएच के रहने से मरीज़ भी सही वक्त पर नहीं पहुंच पाते थे, जाम की समस्याएं बनी रहती थी। इसी को देखते हुए 4 सितंबर 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डबल डेकर सड़क बनाने का निर्णय लिया, जिसे बिहार राज्य पुल निर्माण निगम बना रही है। ख़ास बात यह है कि ये कारगिल चौक से NIT तक ये सड़क बनेगी, जिसकी लंबाई 2200 मीटर होगी। ये डबल डेकर पुल होगा, एक तरफ से गाड़ियां आएंगी, एक तरफ से गाड़ियां जाएंगी। और मज़े की बात यह है कि डबल डेकर पुल के नीचे मेट्रो का भी काम चल रहा है। पटना में जो मेट्रो के जाले बिछ रही हैं, वो मेट्रो इस डबल डेकर के नीचे से गुजरेगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 3 लेयर में लोग आना जाना करेंगे, और उम्मीद की जा रही है इससे जाम की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। PMCH में 3 मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है। इस पार्किंग को अशोक राजपथ के इस डबल डेकर एलिवेटेड सड़क से जोड़ा जाएगा, जिससे वाहनों को PMCH आने जाने में भी सहूलियत होगी। बताया जा रहा है कि 370 से 400 करोड़ रुपया इसमें कुल लागत आएगी। हो सकता है वक्त के साथ साथ लागत बढ़ भी जाए, लेकिन नीतीश कुमार इसे 3 साल में बनाने का वादा कर चुके हैं, और ये 2025 में इसके चालू होने की पूरी संभावना है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से इसको बनाया जा रहा है, डबल डेकर पुल को। पटना कॉलेज के समीप दूसरे तल पर सुपर स्ट्रक्चर रखने का काम शुरू हो गया है। 2 जगहों पर सुपर स्ट्रक्चर रखा गया है। पटना कॉलेज से खजांची रोड तक पहले तल पर सुपर स्ट्रक्चर रखने का काम शुरू हो चुका है, और दूसरे तल पर फ्लाई ओवर के निर्माण की तैयारी हो रही है। सबसे बड़ी बात, ये सारे रेडीमेड बनकर आ रहे हैं और यहाँ स्ट्रक्चर के ऊपर रखे जा रहे हैं। आजकल इसी तरह से पुल का निर्माण हो रहा है, और अभी तो जाम की समस्याएं थोड़ी बनी हुई हैं, लेकिन आने वाले समय में जाम की समस्याएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। अशोक राजपथ पर डबल डेकर एलिवेटेड रोड के पहले तल की लंबाई 1.50 किलोमीटर होगी, जबकि दूसरे तल की लंबाई 2.20 किलोमीटर होगी। पहले तल से NIT की तरफ से गांधी मैदान, जबकि दूसरे तल से गांधी मैदान से NIT की ओर आ सकेंगे। दोनों लेनों की चौड़ाई दोनों काफ़ी अच्छी है, जिसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। दोनों स्तरों पर यातायात लेन 7.5 मीटर चौड़ी होगी, और ये गांधी मैदान से NIT मोड़ की ओर और अशोक राजपथ के पूर्वी हिस्से से BN कॉलेज तक एक तरफा यातायात की सुविधा प्रदान करेगी। डबल डेकर फ्लाईओवर के 2 एक्सेस पॉइंट होंगे। पहला PMCH की प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग को जोड़ेगा, दूसरा कृष्णा घाट से JP गंगा पथवे को जोड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये जो डबल डेकर बन रहा है, इसको नरीमन पॉइंट जो गंगा पाथवे जिसको कहा जाता है, उससे ये जुड़ेगा, तो लोगों को काफ़ी आसानी हो जाएगी सिटी जाने में, सिटी से पटना के बीच में आने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो ज़रूर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वालों को एक शानदार तोहफा देने का मन बनाया है। आने वाले समय में बिहार के लोगों का ये विकास पूरे हिंदुस्तान में नज़र आएगा। Python, grab what I like real fast.